आप सभी का कमल किशोर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज 29 जुलाई है और हम सभी चलते हैं इतिहास के पन्नों में और देखते हैं कि भारतवर्ष और विश्व में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं। तो आइए भारत की घटनाओं पर सर्वप्रथम दृष्टि डाली जाए। भारत की घटनाओं में पहली घटना 1802 में बड़ौदा के गायकवाड़ और अंग्रेजी सेना के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ, जिसके बाद बड़ौदा का गायकवाड़ मराठा संघ छोड़कर अलग हो गया। अगली घटना में 29 जुलाई 1891 में महान समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक, शिक्षक ईश्वरचंद विद्यासागर का निधन हो गया था। इन्होंने 1855 में लंबे संघर्ष के पश्चात अंग्रेजों से विधवा पुनर्विवाह पर बातचीत की। इनसे प्रभावित होकर ब्रिटिश हुकूमत ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया और उसके पश्चात विधवा पुनर्विवाह भारतवर्ष में वैध माना गया। 29 जुलाई 1911 में मोहन बागान फुटबॉल टीम द्वारा पहली ट्रॉफी IFA जीती गई। इसके पश्चात चौथी घटना 1927 में गुजरात के महान नेता माधव सिंह सोलंकी का जन्म हुआ था। इसके पश्चात 29 जुलाई 1996 में महान समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिला आंदोलन की पक्षधर अरुणा आसफ अली का निधन हो गया था। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी सक्रिय योगदान दिया था। भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद विश्व की प्रमुख घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। 29 जुलाई 1748 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए प्रथम ब्रिटिश सैन्य दल भारत भूमि पर अपना कदम रखता है। इसके पश्चात अगले घटनाक्रम में 29 जुलाई 1941 में जर्मनी के सहयोगी राष्ट्र जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना और भारत के पूर्वी हिस्सों को जीतने के लिए दक्षिणी समुद्र तट में अपनी सेना उतारा। उसके बाद 1949 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा अपनी सेवाओं का प्रसारण प्रारंभ किया गया। 29 जुलाई 1910 में सेंट पीटरबर्ग में बाघ सम्मेलन का आयोजन हुआ और निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाए। इसी के तहत आगे 29 जुलाई 2013 में
समग्र विश्व में विश्व बाघ दिवस जोर शोर से मनाया गया। 29 जुलाई 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा 122 देशों के समर्थन से स्वच्छ जल पर मानवाधिकार बनाने के लिए गैर बाध्यकारी विधेयक को पास किया गया। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।